वो है फंक्शन ओवरलोडिंग, और ये बेसिकली एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है। तो गाइज अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को फंक्शन ओवरलोडिंग के। इस फंक्शन ओवरलोडिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अलग अलग फंक्शंस ना बना के एक ही नाम से फंक्शन बना देते हैं जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। तो गाइज जब हम बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर या बड़े कोड्स लिखते हैं तो हम अगर बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं, लेट सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं फन वन, फिर एक हम बनाते हैं फन टू, फिर एक फन थ्री, एंड ऐसे बहुत सारे हम फंक्शंस बनाते जाते हैं। तो हमारे पास होता क्या है कि है ना, जब हम बाद में उस कोड को स्टडी करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो इतने सारे फंक्शंस को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हैं कि हम एक ही नाम से काफ़ी सारे अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं, और फिर वो कंपाइलर अपने हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करके वो उस फंक्शन को अप्रोप्रिएट फंक्शन कॉल में मर्ज कर देता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने एक फन फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने दो तरह की आर्ग्यूमेंट्स पास करी है। एक फन फंक्शन है जो कि सिर्फ एक सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है, एक फन फंक्शन है जो कि दो आर्ग्यूमेंट लेता है। तो अब हमारा कंपाइलर करेगा क्या, वो सबसे पहले इस फन फंक्शन को एनकाउंटर करेगा, वो देखेगा कि इसने एक आर्ग्यूमेंट ले रखी है, फिर वो ढूंढेगा कि एक आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कौन सा है जो कि ये वाला फंक्शन है, तो वो इस फंक्शन को कॉल करा देगा। सेकेंडली जब ये फन 4 5 ढूंढेगा तो ये देखेगा कि कौन सा फंक्शन है जो दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लेता है, उसको ये फंक्शन मिलेगा मेमोरी में, तो वो इसे कॉल करा देगा। तो हमारी कॉल अप्रोप्रिएट फंक्शन पे हो जाएगी। अब मैं आपको ना इस फंक्शन को रन करा के बताता हूँ ताकि पता चले कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे चल रही है। तो यदि कि हम पहले वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे तो 3 है, तो वो इस वाली कॉल पे जाके मर्ज होगा और हमें आउटपुट देगा 3 का आउटपुट 9 देगा हमें वो। और यदि हम इसको कॉल कराएंगे तो वो हमारी जो सेकेंड वाली फंक्शन है जो हमने लिख रखा है उस पे जाके मर्ज होगा इस वाले पे, और हमें आउटपुट क्या मिलेगा 4 और 5 के हिसाब से हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल जाएगा 4 प्लस 5 विच इज़ 9, और 9 × 2 18, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 18। अब मैं आपको इसे रन करा के बता देता हूँ कि हमें आउटपुट मिलने क्या वाला है। तो भाई जब हम इसे रन कराएंगे तो अब आपको आउटपुट मिल चुका है 9 और 18, जो कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट है। अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो फंक्शन है वो हमारा सही तरह से कॉल होता है या कंपाइलर किस तरह से उसे बाइंड करता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फन फंक्शन ये है 4 5, इसके आगे मैंने एक और आर्ग्यूमेंट लगा दिया 9, तो अब ये फंक्शन हो गया 3 आर्ग्यूमेंट्स का। तो अब हमारा जब कंपाइलर ढूंढेगा कि इस फंक्शन ये वाला फंक्शन कहाँ पे है, तो उसे सिंगल आर्ग्यूमेंट का फंक्शन मिल जाएगा, उसे 2 आर्ग्यूमेंट्स का फंक्शन भी मिल जाएगा, पर उसे 3 आर्ग्यूमेंट का कोई फंक्शन नहीं मिलेगा जिसके साथ वो उसे बाइंड कर सके। तो जब हम ये वाली चीज़ फॉलो करेंगे तो हमारे को वो देगा एरर। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब हमने 3 फंक्शंस लेके कराया तो ये सबसे पहले हमें एरर दे रहा है, नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर फन इंट 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 4 5 9, मतलब कि इस फंक्शन के लिए कोई मैचिंग कॉल नहीं है, मतलब कि 3 आर्ग्यूमेंट्स वाला ऐसा कोई फंक्शन हमने ओवरलोड नहीं करा है जो कि कंपाइलर को मिले और वो उससे बाइंड कर सके। तो गाइस फंक्शन ओवरलोडिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक एग्जाम्पल है, और हमने अब इसे फंक्शन के थ्रू भी समझ लिया है।